ये लो, तुम्हारे लिए सरदार कहरमान ने तोहफा भेजा है। और कहा है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है, अपने खुदा को याद कर लो। सालिम ने तुझे मारा था। हाँ सिंदबाद, हमने तुम्हारे वफादार साथी का सर काट दिया है। और अब हर रोज तुम्हारे एक साथी का सर तुम्हारी खिदमत में पेश किया जाएगा, और जब एक एक करके तुम्हारे सारे साथी खत्म हो जाएंगे तो फिर आखिर में तुम्हारी बारी भी आएगी सिंदबाद, तुम्हारी बारी भी आएगी। मगर जब तक तुम्हारी सेहत जवाब दे चुकी होगी सिंदबाद, तुम्हारे हौसले टूट चुके होंगे, तब मैं देखूंगा सिंदबाद कि किस तरह तुम सर उठा के बात कर सकते हो, किस तरह तुम बात करोगे। अरे सालिम, तुम मुझसे बदला लेना चाहता है तो मुझे मार डाल, मेरे टुकड़े कर दे, मगर मेरे दोस्तों मेरे साथियों के साथ ये सुलूक मत कर, उनकी जिंदगी से मत खेल। खेल तो अब शुरू हुआ है सिंदबाद, मैं हर रोज तुझे एक छोटी सी मौत दूंगा, हर रोज एक नया तमाशा दिखाऊंगा, हर रोज एक नया चरका लगाऊंगा, एक नया जख्म हुआ, और तू घुट घुट कर तड़प तड़प कर जान दे देगा सिंदबाद। कहरमान, कहरमान, एक दिन तेरा सर मेरी ठोकर में होगा। मैं तूफान हूँ तूफान, मुझे कोई दीवार नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं दबा सकती, कोई नहीं। खुदा मेरे दोस्त, मैं तेरी मौत का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। सिंदबाद, थोड़ी देर बाद ये कमरा धुएं की गर्मी से आग बन जाएगा, और तू इसमें उबल जाएगा सिंदबाद, उबल जाएगा। दोनों रो रहे होंगे, ना खुदा सिंदबाद को और सिंदबाद ना खुदा को। मगर दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि वो कटे हुए सर हमारी जुबेदा के जादू का एक छोटा सा करिश्मा है, और इस तरह हम अपनी चाल में कामयाब होंगे। हाँ। और सिंदबाद को आका कहरमान के कदमों में झुका देंगे। हाँ। मगर वो बहुत मजबूत इंसान है। तो फिर तुम्हारा जादू किस काम आएगा? जाने मन, जादू सब जगह नहीं चल सकता, मैं चेहरे बदल सकती हूँ, पुतले बना सकती हूँ, मगर किसी मजबूत इरादे वाले इंसान को तोड़ नहीं सकती। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। वो कैसे? मैंने उसकी सुराही में एक ऐसी दवा मिला दी है कि जब वो उसे पानी पिएगा तो वो जिंदा तो रहेगा मगर कोई हरकत नहीं कर सकेगा, और उसकी जिंदगी मुर्दे से बदतर हो जाएगी। Thank you.
उफ ये गर्मी, पानी। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ पांव बेचैन से हो रहे हैं। सिंधबाद, अब तुम मेरे रहम करम पर हो। तुमने पानी में क्या मिलाया था? एक दवा के चंद कतरे, जिसे पीकर आदमी बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है और सोच भी सकता है, मगर अपनी जगह से हिल नहीं सकता। सिंधबाद, अब तुम भी यहाँ पड़े पड़े अपनी बेबसी और लाचारी पर आंसू बहाओगे। तेरी जगह कोई और होता तो मैं उससे मौत मांग लेता, मौत। मगर तुझसे तो मौत मांगना भी अपनी तौहीन है। मैं सिसक सिसक कर, रेंग रेंग कर अपनी जान दे दूंगा, मगर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, तुझे खुश होने का मौका नहीं दूंगा मैं। मगर मैं तेरे चेहरे पर मौत का खौफ देखना चाहता हूँ और तेरी आंखों में डर देखना चाहता हूँ सिंधबाद। तेरी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी कहरमान, कभी नहीं। ये तेरा भरम है सिंधबाद। मैं अभी इसी वक्त तेरे चेहरे पर मौत का पसीना देखूंगा, तेरी आंखों में मौत का खौफ देखूंगा, तेरी जबान से रहम रहम के लफ्ज सुनूंगा। हफीज, मैं तेरी आंख में उतारूंगा, उसके बाद तेरी दूसरी आंख का भी यही अंजाम करूंगा। देख ले सिंधबाद, देख ले, आखिरी बार इस दुनिया को देख ले। मुझे इस बात का गम नहीं कि मेरी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अफसोस इस बात का है कि अंधा होने से पहले जो आखिरी सूरत मेरे सामने होगी वो एक जलील, नापाक कुत्ते कमीने की होगी, जिसका नाम कहरमान है। अब अपनी आंखों की खैर मना सिंधबाद, तैयार हो जा, तैयार हो जा। Thank you.
देखूंगा, देखूंगा सिंदबाद, देखूंगा कि तू कब तक मौत से नहीं डरता। आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब तू मौत का नाम सुनते ही कांपने लगेगा। हाँ, और वही दिन मेरी जीत का दिन होगा, मेरी जीत का। जिनके दिल में खुदा का डर होता है वो किसी और ताकत से नहीं डरते, मौत से भी नहीं। उसका यकीन, उसकी हंसी, उसकी एक एक बात मुझे जहर लगती है, जहर। मैं चाहूं तो उसे अभी इसी वक्त मार सकता हूं, इसी वक्त। लेकिन उसकी मौत मेरी शिकस्त होगी। मैं उसके चेहरे पर डर और खौफ देखना चाहता हूं, मौत का खौफ देखना चाहता हूं। मैं उसे हारता हुआ, टूटता हुआ देखना चाहता हूं, सर अपने पैरों पर देखना चाहता हूं। मगर हर बार वो मेरा मजाक उड़ाता है, मेरा मजाक उड़ाता है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं कि वो मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाए, मुझसे इल्तिजा करे, मुझसे माफी मांगे। कहो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं। सिंदबाद एक रहम दिल इंसान है, उससे दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिससे तुम फायदा उठा सकते हो। हर साल की तरह कल भी हम खुदाए सामरी का जश्न मनाएंगे और उसकी खिदमत में इंसानी खून का नजराना पेश करेंगे। मगर हर बार की तरह इस बार सिर्फ एक की कुर्बानी नहीं होगी, सिंदबाद के तमाम साथियों को हम उसके सामने एक एक करके कत्ल करेंगे। ये मंजर उससे देखा नहीं जाएगा, उसका दिल भर आएगा, वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा, रहम की दरख्वास्त करेगा। और इस तरह हमारी मुराद पूरी होगी। और जब वो हमसे माफी मांगेगा तो एक एक करके सबको खत्म कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। है पाक परवरदिगार, है दो जहां के मालिक, मेरी मदद कर, इस बेबस और तन्हा इंसान को सहारा दे, मुझे हौसला दे, मेरी खोई हुई ताकत वापस ला। है मालिक, तूने अपने बंदों को कभी मायूस नहीं किया, मुझे भी मायूस मत कर, मेरी फरियाद सुन परवरदिगार, मेरी फरियाद सुन। खुदाया, खुदाया, मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहता हूं, मुझे तौफीक दे, मुझे तौफीक दे कि मैं अपने बेगुनाह दोस्त के खून का बदला ले सकूं। तू रहीम है, तू करीम है, तू मेहरबान है, मारता भी तू है, चिल्लाता भी तू है। इस बेबसी की जिंदगी से तो बेहतर है तू मुझे मौत दे, मौत दे दे मुझे, लेकिन लेकिन इज्जत की मौत दे, इज्जत की मौत। मैं इस जलील इंसान के हाथों नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता मैं। या अल्लाह रहम कर, रहम कर मुझ पर, मुझ पर रहम कर, रहम कर। ए मेरे खुदा अलमाशना, कहां छुप गया मुझे भूल कर। ए मेरे खुदा अलमाशना, कहां छुप गया मुझे भूल कर। जो बगैर हाथ उठाए हो कभी वो दुआ भी कबूल कर। ए मेरे खुदा।
Yeah.